देश में भले ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है, लेकिन संसद में पारा चढ़ा हुआ है। जब से कार्यवाही शुरू हुई है तब से हंगामा बरप रहा है, कभी महंगाई को लेकर तो कभी नेशनल हेराल्ड को लेकर। आज एक बार फिर सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के नेता आमने सामने भिड़ गए। सदन की कार्यवाही के दौरान पीयूष गोयल और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बहस देखने को मिली। मोदी सरकार ने नेशनल हेराल्ड मामले में जब से जांच शुरू की है तब से हंगामा बरप रहा है। सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है। कांग्रेस जहां सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ संसद में भी सवाल उठाकर सरकार को घेर रही है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि देश में भयानक राज चल रहा है, यहाँ संसदीय प्रणाली है, हम कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं, लेकिन जब संसद का सत्र चल रहा है और नेता विपक्ष बहस में भाग ले रहे हैं, ईडी उन्हें 12:30 बजे तलब कर रहा है, क्या बात है। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने पूछा कि क्या ये सही है संसद सत्र के दौरान किसी सांसद को ईडी का नोटिस भेजना। मल्लिकार्जुन ने ये भी कहा कि मुझे भी आज दोपहर 12:30 पर ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, मैं कानून का पालन करना चाहता हूं, लेकिन जब संसद सत्र चल रहा है तो क्या उनके लिए समन करना सही है, क्या पुलिस के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आवासों का घेराव करना सही है, हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। कांग्रेस के इन आरोपों पर संसद में हंगामा बरप ही रहा था कि ये बवाल तब बढ़ गया जब नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बीच बहस देखने को मिली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मल्लिकार्जुन के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार किसी भी कानून ईडी के काम में हस्तक्षेप नहीं करती है, शायद कांग्रेस शासन में ऐसा हुआ करता था, अब जो भी गलत करता है एजेंसी उनके कर्तव्यों का पालन करती है। अब ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी सफाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस लगातार हमलावर है, ऐसे में देखना होगा कि ये विवाद कब तक शांत होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।